आज के टेस्ट में टोटल 35 ऑब्जेक्टिव है। ये सभी ऑब्जेक्टिव स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए है 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी है सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन सी है सतह के स्पर्शीय होती है, ऑप्शन डी है सतह पर 45 डिग्री होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। ए है ई बराबर -dV/dx, बी है ई बराबर dV/dx, सी है भी बराबर dE/dx और ऑप्शन नंबर डी है भी बराबर -dE/dx। तो फिलहाल हम सभी क्वेश्चन को बोल रहे हैं, फिर लास्ट में सभी क्वेश्चन का आंसर भी बताते जाएंगे। पहले सब क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए और आप लोग कॉपी कलम निकाल के सभी क्वेश्चन को बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए है कुलम्ब मीटर, इसका संकेत है कुलम्ब मीटर, फिर बी है कुलम्ब बट्टा मीटर, सी है कुलम्ब मीटर स्क्वायर, डी है कुलम्ब स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एप्सिलॉन नॉट की विमाएं है। ऑप्शन ए है एम इन्वर्स 1, एल पे पावर -3, टी पे पावर 3 ए। ऑप्शन बी है एम पे पावर -1, एल पे पावर -3, टी पे पावर 4, ए पे पावर 2। ऑप्शन सी है एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0 और ए पे पावर 0। ऑप्शन डी है एम पे पावर 3, एल पे पावर -3, टी पे पावर 3, ए पे पावर 3। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। ऑप्शन ए है आवेश, ऑप्शन बी है धारिता, ऑप्शन सी है विद्युत तीव्रता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आप क्वेश्चन एक बार बोलने में नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को रोककर आप अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके बाद आंसर देना है। ऑप्शन नंबर सॉरी सॉरी क्वेश्चन सी है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन डी है कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। अब आपके सामने सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स 1, ऑप्शन बी है जूल कूलम्ब इनवर्स 1, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर इनवर्स 1 और ऑप्शन डी है जूल कूलम्ब इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1। आपके सामने वह आठवां नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु पर एक कूलम्ब का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है सामान्य अवस्था में। ऑप्शन ए है 6.25 × 10⁻¹⁸ अधिक, ऑप्शन बी है 6.25 × 10⁻¹⁸ कम, ऑप्शन सी है 1.6 × 10⁻¹⁹ अधिक और ऑप्शन डी है 6.25 × 10⁻¹⁸ अधिक। अब जो है नवा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ए है फैराडे के नियम से, बी है कूलम्ब के नियम से, सी है लाप्लास के नियम से और डी है गॉस के नियम से। अब क्वेश्चन नंबर दस है, पी आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र, ई है ऊपर में वेक्टर है यह सदिश को दर्शाता है, के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तथा इस पर लगा बल आघूर्ण। ऑप्शन ए है PE, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1/2 PE और ऑप्शन डी है 2 PE। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। क्वेश्चन 11 है, एक बिंदुवत आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। ऑप्शन ए है 1/4 πε₀ Q/R,
ऑप्शन बी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू/r² और ऑप्शन सी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू/r³। ऑप्शन डी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू²/r². क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? ऑप्शन ए है 16 माइक्रोफेराड, ऑप्शन बी है 20 माइक्रोफेराड, ऑप्शन सी है 4 माइक्रोफेराड और ऑप्शन डी है 25 माइक्रोफेराड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ ऑप्शन बी क्या है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और ऑप्शन डी है q r/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। गॉस के नियमानुसार ए है फाई ई बराबर q/ε₀, यानी फाई हो गया चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी विद्युत फ्लक्स, फाई यहाँ पे क्या हो गया विद्युत फ्लक्स, इसीलिए यहाँ पे फाई के नीचे में ई लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है, विद्युतीय फ्लक्स है। फिर बी नंबर ऑप्शन है फाई बराबर q ε₀, फिर सी है फाई बराबर ε₀₀q और डी है फाई बराबर 1/ε₀₀। ये गॉस के नियम के अनुसार कौन सा फॉर्मूला होता है वो बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है। एक स्टेट कूलम्ब बराबर डॉट डॉट मतलब कितना कूलम्ब, एक स्टेट कूलम्ब में कितना कूलम्ब होता है वो बताना है। ए है 3×10⁻⁹, बी है 3×10⁻⁻⁹, सी है 1/3×10⁻⁹ और डी है 1/3×10⁻⁹। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ए है विद्युत विभव, बी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सी है विद्युत आवेश, डी है आवेश का पृष्ठ घनत्व। 17 नंबर क्वेश्चन है। समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में ए नंबर है कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, बी नंबर है कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, सी नंबर है कार्य अनंत होता है और डी नंबर है कार्य नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थिति जुड़ जा। ऑप्शन ए है घट रही है, ऑप्शन बी है बढ़ रही है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी है अनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 19 है। किसी आवेश 15×10⁻⁴ कूलम्ब पर 2.25 न्यूटन का बल कार्यरत है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऑप्शन ए है 150 न्यूटन कूलम्ब इन्वर्स 1, ऑप्शन बी है 15 न्यूटन कूलम्ब इन्वर्स 1, ऑप्शन सी है 1500 न्यूटन कूलम्ब इन्वर्स 1, ऑप्शन डी है 1.5 न्यूटन कूलम्ब इन्वर्स 1। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 है। यदि किसी वस्तु पर आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र हो जाता है। ऑप्शन ए है आधा, ऑप्शन बी है दुगुना, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित, ऑप्शन डी है तिगुना। क्वेश्चन नंबर 21 है। विद्युत क्षेत्र एवं समविभव पृष्ठ के बीच कोण क्या होता है? ऑप्शन ए हमेशा 90 डिग्री, बी है हमेशा 0 डिग्री, सी है 0 डिग्री से 90 डिग्री, डी है 0 डिग्री से 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 है। ई आवेश और एम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो अंतिम वेग होगा। ए है √2EV/m, बी है √EV/m, सी है EV/2m, डी है EV/m। क्वेश्चन नंबर 23 है। एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई तथा चालक का विद्युत विभव भी है,
यदि आवेश के पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए गोले के त्रिज्या को आधी कर दिया जाए जाता है, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विभव होंगे क्रमशः ए है ई मतलब विद्युत क्षेत्रीय और विभव भी बट्टा दो, बी है विद्युत क्षेत्र ई बट्टा दो और विभव भी, सी है टू ई और भी, डी नंबर है ई और टू भी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई तथा चालक का विभव भी है, आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधी कर दिया जाता है, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विभव होंगे क्रमशः ए है 4e फिर 2v, बी है 4e 4v, सी है 2e 4v, डी है 2e 2v। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, एक घन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, इसके एक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, ऑप्शन ए है क्यू बट्टा 6 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी है क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी है क्यू बट्टा 4 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी है क्यू बट्टा 3 एप्सिलॉन नॉट। अब जो है क्वेश्चन नंबर 26, अनंत लंबाई वाले एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र ई इससे प्रेक्षण बिंदु की दूरी आर पर निम्नलिखित में से किसके अनुसार विचरण करता है, ऑप्शन ए है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, बी है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर इनवर्स 1, सी है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर इनवर्स 2, डी है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर इनवर्स 3। यहाँ पे इनवर्स जैसे यहाँ पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर इनवर्स 1 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, क्योंकि यहाँ पे आर पे पावर -1 है, ये जब नीचे रहता है तो 1/r हो जाता है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। अब इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, ई बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव भी का दूरी आर के साथ विचरण होगा, ऑप्शन ए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, बी है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² या इसको पढ़ेंगे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है भी बराबर कॉन्स्टेंट या नॉट डिपेंड ऑन आर। क्वेश्चन नंबर 28 है, दो गोलों की त्रिज्या R1 एंड R2 है, इनको आवेशित करने पर इनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान है, इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात होगा, ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी है R1:R2, ऑप्शन सी है R2:R1, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, ऑप्शन ए है लेमडा बट्टा पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बी है लेमडा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सी है लेमडा बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डी है लेमडा बट्टा आर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र E1 हो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो ऑप्शन ए है E2 बराबर -E1/8, बी है E2 बराबर -E1/16, सी है E2 बराबर E1/8, डी है E2 बराबर -E1/4। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में वह कौन सा राशि है जिसका SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ए है विद्युतीय फ्लक्स, बी है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, सी है विद्युतीय धारिता, डी है विद्युतीय क्षेत्र। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव ए है शून्य होगा, बी है धनात्मक और समरूप होगा, सी है धनात्मक और असमरूप होगा, डी है ऋणात्मक और असमरूप होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, अगर विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला कुल बल होगा, ए है हमेशा शून्य, बी है शून्य कभी नहीं, सी
होती है द्विध्रुव के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, डी है इनमें कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर ए है विद्युतीय क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होता है, बी है विभव शून्य होता है विद्युत क्षेत्र नहीं, सी है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है विभव नहीं, डी है दोनों ही अनंत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, अगर विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला कुल बल होगा। ऑप्शन ए है हमेशा शून्य, बी है शून्य कभी नहीं, सी है द्विध्रुव के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आप 35 क्वेश्चन देख लिए, उम्मीद है कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बना लिए होइएगा। अब ये सभी क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर बताते हैं और आंसर मिलाने के बाद आप लोग निश्चित रूप से बताइएगा कि किनका कितना सही हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था, आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा सतह के लंबवत होता है। यानी इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया, इसका सही आंसर बी है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध। तो ये भी पढ़े हैं, ई बराबर माइनस डी वी बट्टा डी एक्स। तो दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ई बराबर माइनस डी वी बट्टा डी एक्स। अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एस आई मात्रक होता है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है जिसका फॉर्मूला, तीसरा का आंसर हम बताते हैं, जिसका फॉर्मूला आप पढ़े हैं पी बराबर क्यू डी। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़े पी बराबर क्यू डी। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, इस फॉर्मूला में देखिए क्यू जो है आवेश हो गया और आवेश का एस आई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और डी जो है वो दूरी हो गया और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कूलम्ब मीटर हो गया, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, कूलम्ब मीटर। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, सॉरी चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नोट की विमाएं हैं। तो यहाँ पे बताना है कि एप्सिलॉन नोट का विमा इस तीनों में से, सॉरी इस चारों में से क्या होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नोट का विमा है। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बट्टा में आर स्क्वायर। इसको इसका देखना है आंसर क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला का उपयोग करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बट्टा में आर स्क्वायर। तो यहाँ से इस एप्सिलॉन नॉट को जो है क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया तो, और ये एफ जो है यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई। यहाँ पे जो 1/4 पाई लिखा हुआ है, ये 1/4 पाई इसका जो है कोई मात्रक और विमा नहीं होता है क्योंकि ये संख्यात्मक मान है। और यहाँ पे जो है क्यू वन लिखा हुआ है और ये क्या है, क्यू टू है। तो क्यू वन और क्यू टू दोनों आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, ए टी या आई टी। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है ए के अनुसार है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, ए टी लिख दिए हैं। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो होता ही नहीं है, और एफ, एफ मतलब बल हो गया, बल का यहाँ पे देख रहे हैं कि बल का विमीय सूत्र एम एल टी इनवर्स टू हो गया, और ये दूरी है तो दूरी के लिए क्या आ जाएगा एल, और आर स्क्वायर है इसलिए एल स्क्वायर दे दिए हैं। इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एम जो है वो नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर गया तो एम पे पावर -1 हो गया, और फिर ये एल और ये एल, यहाँ पे टोटल कितना एल हो गया, दो गो एल, एक एल यहाँ पे और दो एल यहाँ पे, टोटल 3 एल।
और ये एल जब ऊपर गया तो यहाँ पे -3 आ गया, फिर यहाँ पे पी जो है -2 है, और ये जब ऊपर गया तो +2 हो जाएगा, और 2 गो टी यहाँ पे है, 2 गो टी जो है यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे टी पे पावर 4 हो गया, और ऊपर में कितना ए है, 2 गो ए है, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिए। इस तरह से हम लोग देख लिए एप्सिलॉन नॉट का बीमा कितना हो गया, एम इनवर्स 1, एल इनवर्स 3, पी पे पावर 4 और ए पे पावर 2। तो इसका आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यही चीज़ है, एम इनवर्स 1, एल इनवर्स 3, टी पे पावर 4 और ए पे पावर 2। इस तरह से ये चौथा का क्या आंसर आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा आंसर। अब जो है पांचवा नंबर, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो यहाँ पे सदिश राशि पहचानना है, तो आप इस जान रहे अदिश राशि है, धारिता जो अदिश राशि है, यहाँ पे क्या जाएगा, विद्युत तीव्रता, इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विद्युत तीव्रता। और विद्युत तीव्रता जो है वो कौन सा राशि है, इसका आंसर क्या आ गया, सी नंबर। तो विद्युत तीव्रता कौन सा राशि है, सदिश राशि है। छठा नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर आवेश जान रहे केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश कौन सा आवेश उत्पन्न करेगा, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर यही आवेश एक समान वेग से गतिशील रहता तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता, और यही आवेश अगर त्वरण के साथ गतिशील रहता तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोग को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है विद्युत क्षेत्र का पूछा जा रहा था कौन सा मात्रक नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर F बट्टा Q, तो F बट्टा Q है, यहाँ पे बल बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम। तो इस तरह से अगर बल के जगह न्यूटन रख दिए और आवेश के जगह कूलम रख दिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या जाएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स 1, तो ये पहला मात्रक हो गया। इसके बाद विद्युत क्षेत्र का दूसरा फॉर्मूला पढ़िएगा, विभव और विद्युत तीव्रता में संबंध निकालने से फॉर्मूला ई बराबर हो गया था भी वट्टा में आर, ई बराबर क्या गया था, भी वट्टा में आर, तो यहाँ पे भी जो है वो विभव है, जिसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया, विभव का मात्रक यहाँ पे वोल्ट है, और आर जो है दूरी है, जिसका मात्रक क्या है, मीटर। इस तरह से विभव के जगह वोल्ट रख दिए और यहाँ पे दूरी के जगह मीटर रख दिए, तो यहाँ से क्या आ गया, वोल्ट मीटर इनवर्स 1। तो ध्यान रखना है पहला मात्रक न्यूटन कूलम इनवर्स 1 आ गया, दूसरे फॉर्मूला से वोल्ट मीटर इनवर्स 1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, विभव भी का जो फॉर्मूला होता है डब्लू बट्टा क्यू, भी का क्या फॉर्मूला है, डब्लू बट्टा क्यू, इसके अनुसार यहाँ पे ई बराबर भी बट्टा आर है, तो भी के जगह डब्लू बट्टा क्यू रख दिए, ये डब्लू बट्टा क्यू रखा गया, तो ये डब्लू ऊपर में रह गया और क्यू क्या हो गया, नीचे आ गया, तो यहाँ से चाहेंगे तो इसका मात्रक हम बता सकते हैं, डब्लू वर्क हो गया, तो वर्क के लिए जूल हो गया, इसके बाद आवेश जो है इसके लिए कूलम्ब हो गया, और दूरी के लिए क्या हो गया, मीटर हो गया। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं जूल कूलम्ब इनवर्स 1, मीटर इनवर्स 1। तो यहाँ से टोटल 3 फॉर्मूला, 3 मात्रक जो है किसका आ गया, विद्युत क्षेत्र का। अब इस तीनों के अलावा जो नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं इस तीनों के अलावा कौन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था, विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन कूलम्ब इनवर्स 1 तो मात्रक है, वोल्ट मीटर इनवर्स 1 मात्रक है, जूल कूलम्ब इनवर्स 1, मीटर इनवर्स 1 मात्रक है, बच कौन गया, बी नंबर। तो यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन है ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, जूल कूलम्ब इनवर्स 1 जो होता है वो विद्युत विभव का मात्रक हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वस्तु पर एक कुलम्ब आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बताना है। तो यहाँ पे क्यू का मान कितना हो गया, एक कुलम्ब। क्यू का मान कितना हो गया, एक कुलम्ब। और ये ऋण आवेश है, ध्यान रखना, एक कुलम्ब ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालते हैं। क्यू बराबर एनी फॉर्मूला जान रहे हैं, एन बराबर क्यू बट्टा ई। इसका सोल्यूशन भी दिखा देते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्यू का मान रख दिए यहाँ पे कितना, एक कुलम्ब रख दिए। क्यू यहाँ पे दिख रहा है एक कुलम्ब, क्यू बराबर एनी फॉर्मूला लगाए, एन बराबर क्यू बट्टा ई। और जान रहे क्यू का मान एक कुलम्ब है, क्यू का मान कितना है, एक कुलम्ब है। और ई का मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻¹। ई के मान की जगह रख दिए हैं। अब यहाँ पे जब भाग लगाए हैं तो आ गए 0.625 × 10⁻¹। अब यहाँ पे पॉइंट को एक अंक आगे कर दिए हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आ गए 6.25 × 10⁻¹। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि ऋण आवेश, वस्तु पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश का अर्थ क्या होता है, ऋण आवेश का अर्थ होता है वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो वस्तु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन का संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, इसलिए आंसर में क्या आ जाएगा, 6.25 × 10⁻¹ अधिक हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 नंबर का आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻¹ अधिक, ये आ गया। अब इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 में विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो ये निश्चित रूप से आप लोग जान रहे हैं कूलम्ब के नियम से दिया जाता है। यहाँ पे जो विद्युत आवेश है इसके बीच किसने दिया था नियम, कूलम्ब ने दिया था। तो 9 नंबर का आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। अब 10 नंबर पे चलते हैं। पी आघूर्ण वाला विद्युतीय द्विध्रुव ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है आप लोग जान रहे हैं, बल आघूर्ण जो होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो पीई साइन थीटा है तो साइन 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। 10 का क्या आ जाएगा, ए। अब जो है 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर है, एक बिंदुवत आवेश क्यू से r दूरी पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निश्चित रूप से पढ़े हैं बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो होता है 1/4π₀Q/r² ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो 11 का क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदे, मतलब छोटे छोटे बूंद का संख्या 64 है, और सभी बूंद मिलाकर, सभी बूंद जो है मतलब टोटल 64 छोटा छोटा बूंद है, जिसमें प्रत्येक बूंद का धारिता 5 माइक्रोफेराड है, और ये सब मिलके एक बड़ा बूंद बनाता है जिसका धारिता। तो ये भी आसानी से बना सकते हैं आप लोग जान रहे, बड़े बूंद की धारिता का क्या फॉर्मूला, बड़े बूंद की धारिता का फॉर्मूला पढ़े हैं कि बड़े बूंद की धारिता का फॉर्मूला होता है n^(1/3) × छोटे बूंद की धारिता। n यहाँ पे हो गया था छोटे बूंद की संख्या, ये फॉर्मूला भी आप लोग को बताया गया, सारा चीज बताया गया है। छोटे बूंद की संख्या कितना है, 64 है, 64^1/3 कर दिए, और प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता कितना है, 5 माइक्रोफेराड है। तो 64^1/3 है, मतलब इसका जो है 64 मतलब क्या, 3 बार 4 × 4 × 4 करेंगे तो 1/3 है, इसलिए 1 4 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे 5, इस तरह से कितना आ गया, 20 माइक्रोफेराड। देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन में ही कितना है, 20 माइक्रोफेराड है। तो इस 12 का आंसर क्या आ जाएगा, 20 माइक्रोफेराड। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर है, उस पर q कूलम्ब आवेश है, तो विद्युत विभव, तो विद्युत विभव हो जाएगा q/4π₀r, क्योंकि यहाँ पे पढ़े बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव जो होता है 1/4π₀Q/r। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में विद्युत तीव्रता पूछ दिया जाता तो खोखला गोला के अंदर विद्युत तीव्रता का मान 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विभव है,
में क्या है, विभव है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, सी नंबर क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन, तो गॉस के नियम से आप लोग जान रहे फाइव बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे 14 का पहला नंबर आंसर हो जाएगा क्यू बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये ई जो है वो विद्युत फ्लक्स को दर्शा रहा है कि विद्युत फ्लक्स है। अब 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को बताया गया है, एक कुलम्ब, एक स्टेट कुलम्ब में कितना आवेश, तो यहाँ पे पढ़े थे एक कुलम्ब बराबर होता है, एक कुलम्ब का मान पढ़े थे कि एक कुलम्ब बराबर होता है 3 × 10^9 स्टेट कुलम्ब। दिखा देते, यहाँ पे पढ़े थे आप लोग को बताया गया था एक कुलम्ब बराबर 3 × 10^9 स्टेट कुलम्ब। अब यहाँ पे देखिए, हमको क्वेश्चन में तो स्टेट कुलम्ब पूछा जा रहा है, तो एक स्टेट कुलम्ब बराबर ये पूरा का पूरा जो है जब इधर आएगा तो ये नीचे में चला जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में चला जाएगा, तो नीचे में चला गया तो 1/3 × 10^9 कुलम्ब हो गया। अब यहाँ पे 1/3, और ये 10^9 जो है जब इसको ऊपर भेजेंगे तो 10^-9 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हम देख लिए हैं कि एक स्टेट कुलम्ब मतलब हो जाता है 1/3 × 10^-9। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 का क्या जाएगा, डी हो जाएगा। अब 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, सदिश पूछ रहा है, तो तीव्रता जो है वो कौन सा राशि है, सदिश राशि है, विभव अदिश है, आवेश अदिश है, पृष्ठ घनत्व अदिश है, यहाँ पे सदिश राशि के बारे में पूछा जा रहा है, तो 16 का आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कार्य नहीं होगा, समविभवी सतह में आप लोग को बताया गया है कि समविभवी सतह में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, यानी कार्य नहीं होता है। 17 का क्या आ गया, डी आ गया। फिर 18 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे तो इस निकाय का ऊर्जा क्या हो जाएगा, इस निकाय का ऊर्जा घटना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश, एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकर्षण होने लगेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब नज़दीक आएगा तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, घटने लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 है, किसी आवेश यानी क्यू का मान दिया हुआ है और बल एफ का मान दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता आसानी से निकाल सकते हैं, इसका भी सॉल्यूशन हम दिखा देते हैं आप लोग को, 19 नंबर का क्या होगा। 19 नंबर में देखें क्यू का मान कितना दिया हुआ है, क्यू का मान जो है दिया हुआ है 15 × 10^-4, क्यू का मान दिया हुआ है 15 × 10^ सॉरी चल गया, हाँ क्यू का मान है 15 × 10^-4 दिया हुआ है, और फिर बल, बल कितना दिया हुआ है 2.25 न्यूटन दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र निकालना है ई, तो ई बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं बट्टा क्यू, तो यहाँ पे बल का मान रख दिए और क्यू का मान रख दिए, तो यहाँ पे जब मान रख दिए ये दशमलव को हटा दिए, दशमलव को हटाने के बाद क्या आ गया, दशमलव को जब यहाँ से हटाए तो यहीं पे 2 को 0 रख दिए तो 100 हो गया, फिर 15 से 15 बार में कट गया तो 15 × 10^2 हो गया, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1500 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स वन। इस तरह से देख लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका क्या आंसर आ गया, 1500 × 1500 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स वन। तो 19 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, 19 नंबर का आंसर हो जाएगा 1500 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स वन, ये आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जानेंगे, यदि किसी वस्तु पर आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र का, तो यहाँ पे है अगर आवेश को दुगुना करेंगे तो निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, तो 20 का आंसर क्या हो गया, 20 का आंसर आ गया दुगुना। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत क्षेत्र एवं समविभव पृष्ठ के बीच क्या कोण होता है, विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के बीच क्या कोण होता है, तो पढ़े हैं समविभव पृष्ठ जो है
विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ पर हमेशा लंबवत यानी हमेशा 90 डिग्री है। किसका आंसर क्या जाएगा? ए हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे विभवांतर भी है तो अंतिम वेग पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन हम दिखाते हैं। 22 नंबर में आवेशित कण, कोई आवेशित गतिशील कण क्यू भी, आवेशित गतिशील कण जो है वो क्यू भी के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कोई भी आवेशित गतिशील कण होगा तो ऊर्जा कितना उत्सर्जित करेगा? क्यू भी के बराबर करेगा। तो क्यू भी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो जान ही रहे हैं कितना होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो हाफ एम बी स्क्वायर, क्यू भी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी है वो भी क्या है, विभव है। भी क्या है यहाँ पे, विभव है। तो यहाँ से देखिए, और इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन 22 नंबर में क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो इस क्यू के जगह ई रख दिए, और इसके बाद भी के जगह तो भी है, फिर हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमको भी स्क्वायर है तो भी का मान निकालना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है 2 और ये एम जो है, इस दोनों चीज़ को हम इधर भेज देते हैं, भी स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा 2EV/m और भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी बराबर √2EV/m, तो इसका आंसर क्या हो गया, √2EV/m। तो यहाँ से 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर √2EV/m आ गया। अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई है, चालक का विभव भी है, पृष्ठ घनत्व को नियत रखना है और त्रिज्या का आधा कर देना है, तो पृष्ठ घनत्व और विभव पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका जो है हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में सिग्मा बराबर, यहाँ पे जान रहे क्यू बट्टा ए फॉर्मूला होता है, तो क्यू बराबर क्या आ गया, क्यू बराबर आ गया सिग्मा ए। तो यहाँ पे ई विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4π0Q/r2, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में Q के जगह क्या रख दिए, सिग्मा ए रख दिए, तो यहाँ से बट्टा में आर स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया, तो सिग्मा ए। तो यहाँ पे इस चीज़ से स्पष्ट है कि पृष्ठ घनत्व तो नियत रखते हैं तो त्रिज्या आधा करने पर विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पे आर स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे आर रहेगा ही नहीं, तो ये ई का मान जो है त्रिज्या पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ई का फॉर्मूला रखने के बाद आर स्क्वायर कट गया, इसलिए हम बोल सकते हैं पहले भी ई और बाद में भी ई हो जाएगा। और उसी क्वेश्चन में विभव पे क्या फर्क पड़ेगा, तो विभव का फॉर्मूला 1/4π0Q/r होता है, तो क्यू के जगह सिग्मा आर पाई आर स्क्वायर रख दिए, तो यहाँ से आर और आर, एक आर कटेगा तो यहाँ पे सिग्मा आर बच गया। तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर में तो आर है, निश्चित रूप से आर है, तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, त्रिज्या आधा करने पे विभव भी आधा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ई हो जाएगा और भी बट्टा 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 23 का आंसर, तो यहाँ पे 23 नंबर का क्या आंसर आ जाएगा, 23 का आंसर ए, ई और भी बट्टा 2 हो जाएगा। 24, यहाँ पे जो है सभी क्वेश्चन का हम आंसर बता देते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन भी दिखा देंगे, तो आप लोग सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिएगा, इसके बाद जो है फिर जहाँ पे प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, उस क्वेश्चन को हम समझा देंगे। 24 नंबर है, 24 का आंसर हो जाएगा 4E2V, यानी 24 का आंसर ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 का आंसर हो जाएगा Q/6E0। फिर इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 का आंसर हो जाएगा E∝r1, यानी बी नंबर। 27 है, 27 का आंसर हो जाएगा D, 27 का क्या आंसर हो जाएगा, D। फिर 28 नंबर है, 28 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 28 का क्या आंसर आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 का आंसर आ जाएगा बी नंबर, λ/2π0r। फिर इसका 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 का जो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, 30 का क्या जाएगा, बी नंबर, E2 -E1/16, यानी 30 का आंसर क्या आ गया, बी नंबर आ गया। अब जो है 31 नंबर, 31 नंबर में है,
जिसका SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, तो जान रहे हैं विद्युतीय क्षेत्र का एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो 31 का क्या आंसर आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद 32 नंबर देखिए, 32 नंबर, खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसके भीतर विभव, तो विभव का मान जो हो जाएगा धनात्मक और समरूप। यहाँ पे क्या जाएगा, 32 नंबर का आंसर क्या जाएगा, 32 का आ जाएगा बी नंबर, धनात्मक और समरूप। इसके बाद फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 का आंसर आ जाएगा ए, हमेशा शून्य। द्विध्रुव को यहाँ पे पढ़ाए भी थे आप लोग को, द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर लगने वाला कुल बल क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा, हमेशा शून्य। फिर इसके बाद 34 नंबर है, 34 का आंसर आ जाएगा सी, 34 का क्या आंसर आ जाएगा, सी हो जाएगा। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव जो है वो शून्य नहीं होता है। फिर इसके बाद 35 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल हमेशा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लगता है 35 नंबर दोबारा रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे अगर विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल कितना आ जाएगा, हमेशा शून्य हो जाएगा। 35 का आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। अब जो बच गया है इसका बारी बारी से हम आंसर दिखा देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था। 24 नंबर से यहाँ पे दिखा देते हैं, जिसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को रोक के कॉपी कर लीजिएगा और जो भी समझने में दिक्कत होगा उसको बताइएगा, हम जो है इसको अच्छे से फिर बता देंगे। यहाँ पे सबका आंसर देख लिए, मिला लीजिएगा और इसके बाद हमको बताइएगा किसका कितना सही हुआ है।